नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और दोस्तों, ये अपडेट अभी की अपडेट है, और ये दोस्तों अभी 3:15 बजे की अपडेट हम आपको दिखाएंगे, और ऑफिशियल खबर के साथ हम दिखाएंगे कि जो रिजल्ट को लेकर क्या बातें हुई है। और दोस्तों, इसमें साफ साफ दिए हुए आधी रात को आ सकते हैं ग्रुप डी के रिजल्ट, और हम पूरा ऑफिशियल खबर इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको ऑफिशियल खबर। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने जनसत्ता का ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑन किया है, और यहां पर देखिए जनसत्ता का ऑफिशियल है ये। उसके बाद हम देख सकते हैं, आप आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आधी रात को आ सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट्स। आप यहां पर पूरी खबर देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी रिजल्ट आने के बाद में पीईटी टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद में फाइनल जो कट ऑफ है वो डाली जाएगी, और उसके बाद में ही नौकरी मिल पाएगी। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खबर है, ये अभी अभी खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 फरवरी 2019 की ये खबर है, और 3:05 की है। और आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 3:15 बजने वाले हैं, और यहाँ पर पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरी खबर जो दिया हुआ है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 63,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाला है। बोर्ड इसके लिए एक एग्ज़ाम भी ले चुका है। बता दें कि बोर्ड की तरफ से सीबीटी का एग्ज़ाम लिया गया था। बोर्ड ग्रुप डी के लिए भर्ती कर रहा है, एग्ज़ाम कैंडिडेट को रिजल्ट के इंतजार है। रेलवे भर्ती ग्रुप डी परीक्षा परिणाम फरवरी के अंत तक घोषित करेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बोर्ड की तरफ से दी गई लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा परिणामों की घोषणा 27 फरवरी या 28 फरवरी को करेगा। हालांकि बोर्ड के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि ग्रुप डी परीक्षाओं के परिणाम मार्च में घोषित किए जाएंगे, लेकिन अब क्षेत्रीय बोर्ड के अधिकारी ने कहा है कि ग्रुप डी के परिणाम 28 फरवरी तक घोषित किए जाएंगे। और आरआरबी ने चुनाव आयोग को की आचार संहिता का हवाला दिया है। बोर्ड उस समय सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है जो आचार संहिता लगने वाली है, उसकी वजह से ये ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ये पूरी ऑफिशियल खबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों, ये पूरी ऑफिशियल खबर आप जनसत्ता के माध्यम से देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप सभी को पता है, आरपीएफ का जो एग्ज़ाम चल रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और एएलपी सीबीटी सेकेंड के जो आंसर की आई थी उस पर भी ऑब्जेक्शन ख़त्म हुआ है। तो आरआरबी के पास अब कोई काम नहीं है, अब सिर्फ ग्रुप डी के रिजल्ट के बाकी है, वो देंगे। तो इसलिए दोस्तों, अभी इसी महीने इसका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, और यहाँ पर पूरी खबर आपने देखी है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।